नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक की जिसका नाम है मारिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक FMCG सेक्टर की कंपनी है, डेली यूज़ के प्रोडक्ट की कंपनी बनाती है और इसने पिछले कई सालों से इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा के दिया है। दोस्तों ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इस वीडियो में हम जानेंगे मारिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, पिछले एक साल में, पाँच साल में और दस साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। इसी के साथ हम देखेंगे इस कंपनी का उसके पीयर कंपटीटर के साथ कंपैरिजन और हम देखेंगे कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेज है जिसने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मारिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूरी जानकारी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी के साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा हमारे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं मारिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी बिलोंग करती है FMCG सेक्टर से। ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है FMCG सेक्टर की इंडिया की और इसका निर्माण हुआ था 1990 में। दोस्तों मारिको हैज़ क्रिएटेड वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया, जैसे कि आपको पता होगा पैराशूट ये इन्हीं का ब्रांड है मारिको इंडस्ट्रीज़ का। दोस्तों अगर हम लोग कुछ डेटा पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरी मंथ ओवर 70 मिलियन पैक्स फ्रॉम मारिको रीच्ड अप्रोक्सीमेटली 130 मिलियन कस्टमर्स इन अबाउट 23 मिलियन हाउस होल्ड थ्रू अ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ मोर देन 25 मिलियन आउटलेट्स इन इंडिया एंड ओवरसीज। तो इस पर्टिकुलर डेटा से हम जान पाएंगे कि कितना वाइड स्प्रेड है, कितना ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जो लोग इस कंपनी के यूज़ करते हैं। दोस्तों इस कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके फाउंडर है मिस्टर हर्ष मारीवाला। इस कंपनी के करंटली 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि इंडिया में है। अगर हम लोग आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो करंटली एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो बांग्लादेश में वर्क होता है। दोस्तों इस कंपनी का प्रेजेंस है 25 कंट्रीज में जिसको अपने प्रोडक्ट्स ये कंपनी एक्सपोर्ट कर दिया है। दोस्तों इस कंपनी के मेजर जो कस्टमर है वो एशिया और अफ्रीका रीजन में है। दोस्तों किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग इन्वेस्ट करने का देख रहे हैं तो उस कंपनी के सर्विसेज या फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट देखना बहुत ही जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने अच्छे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज वो कंपनी डिलीवर करेगी, जितना उस पर्टिकुलर सर्विस का या फिर प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड होगा उसके बेसिस पे कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करेगी। दोस्तों इस मामले में देखा जाए तो मारिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जो वाइडली यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। अगर हम लोग इसके प्रोडक्ट के बारे में देखें तो ट्रू रूट्स, सफोला, काया यूथ, पैराशूट क्रीम ऑयल, इसी के साथ हेयर जेल सेटवेट, पैराशूट एडवांस ऑयल, पैराशूट बॉडी लोशन, सफोला ऑयल, हेयर एंड केयर, लिवॉन, निहार, मेडिकेयर, इस तरह के जो डेली यूज़ के ब्रांड है जो वाइडली यूज़ होते हैं वो ये कंपनी उसका निर्माण करती है। और दोस्तों इस कंपनी ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के दम पे एक इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न कमा के दिया है और फ्यूचर में भी ये कंपनी अच्छा रिटर्न कमाने का दमखम रखती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर के पास मोस्टली हिस्सा जो है 59.57%, FII के पास है 26.56%, अदर्स के पास है 4.27%, बैंक्स और म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में अच्छी होल्डिंग बना के रखी है जो है 4.2%, जनरल पब्लिक के पास है 3.75% हिस्सा और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने मेंटेन किया है 1.27 हिस्सा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फॉरेन प्रमोटर के पास। दोस्तों चलिए बात करते हैं इस कंपनी कुछ डिटेल्स के बारे में। इस कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 46,329 करोड़, तो एक अच्छा खासा बड़ा मार्केट कैप इस कंपनी ने बना के रखा है। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 358 रुपीज़। इस कंपनी का 52-वीक हाई जो है वो है 397 रुपीज़ पे और 52-वीक लो जो है वो है 282 रुपीज़ पे। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 23.60। इस कंपनी का करंट फेस वैल्यू है 1 पे। इस कंपनी का स्टॉक पी जो चल रहा है वो है 51.61 पे और हम लोग इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी है 67.80 पे। तो एक अच्छे और कम वैल्यूएशन पे ये अच्छे क्वालिटी की कंपनी हमें मिल रही है यहाँ पे। दोस्तों अगर हम लोग पिछले एक साल का इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो इस पिछले एक साल में इस कंपनी ने 11.8% का रिटर्न इन्वेस्टर को कमा के दिया है। दोस्तों चलिए बात करते हैं इस कंपनी के पिछले पाँच साल के परफॉर्मेंस के बारे में। पिछले पाँच साल में इस कंपनी ने 233% का एक अच्छा मुनाफा इन्वेस्टर को कमा के दिया है।
अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो 46.60% का एक अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने कमा के दिया है दोस्तों, यानी कि हर 2 साल में अराउंड 65 डबल कर रही है कंपनी। अगर दोस्तों हम लोग पिछले 10 साल का इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल में इस कंपनी ने 9 टाइम्स रिटर्न दिया है, तो लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन से भी ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे दिया है। अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर रही तो हर साल इस कंपनी ने 90% का रिटर्न इन्वेस्टर को डिलीवर किया है। दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। पिछले 10 से 12 साल का यहाँ पे फाइनेंशियल नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। अगर हम लोग सेल्स को देखें तो मार्च 2007 से मार्च 2018 तक सेल्स ईयर ऑन ईयर हर साल बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर इंटरेस्ट देखें तो पहले कुछ सालों में ये ज़्यादा था, लेकिन रिसेंटली 2016-17-18 में कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया है ये इंटरेस्ट रेट। अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग मोड में है। और फाइनली अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों तो ये नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर ये इंक्रीजिंग मोड में है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर है वो देखना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग किसी शेयर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर पोजिशन लेना चाहते हैं तो। दोस्तों चलिए देखते हैं मारिको इंडस्ट्रीज़ का उसके पीयर कंपिटिटर के साथ कंपेरिजन बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों यहाँ पे मैंने पिछले रिटर्न ऑन इक्विटी लिया है पिछले 1 साल का 2 साल का 3 4 5 और 10 साल का फ्रॉम FMCG सेक्टर। अगर हम लोग मारिको इंडस्ट्रीज़ को देखें तो पिछले 5 साल में इसने दिया है 252% का एक बेहतरीन रिटर्न। और अगर हम लोग पिछले 10 साल को देखें तो 10 साल में मारिको इंडस्ट्रीज दिया है मोर देन 900% का रिटर्न। अगर हम लोग कुछ दूसरे काउंटर्स भी देखें, दिग्गज काउंटर है इस सेक्टर के, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले इंडिया है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, पेडीलाइट, PNG, कोलगेट, ग्लास्को, जिलेट एंड इमामी। तो दोस्तों इन सारे दिग्गज काउंटर्स ने भी पिछले 10 साल में मोर देन 5 टाइम्स रिटर्न डिलीवर किया है एक्सेप्ट कोलगेट पामोलिव। तो दोस्तों ये एक अच्छा रिटर्न है। अगर हम लोग पोर्टफोलियो जब भी डिसाइड करते हैं, सेट करते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में से कुछ परसेंटेज 10% 20% हमें FMCG सेक्टर को देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि FMCG के जो प्रोडक्ट है इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में हाथों हाथ बिक जाते हैं। लेकिन दोस्तों आइडियल परसेंटेज देखें तो कम से कम 10 से 15% हमें इस सेक्टर को देना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न डिलीवर करने का दमखम रखता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं मारिको फंड्स होल्डिंग्स के बारे में, कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिन्होंने मारिको इंडस्ट्रीज को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है। दोस्तों 121 म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स हाउसेस हैं जिन्होंने मारिको इंडस्ट्रीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के पास 5,42,00,000 शेयर्स हैं मार्च 2019 तक। अगर हम लोग कुछ टॉप म्यूचुअल फंड देखें तो एडलवाइज लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सनलाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95, SBI स्मॉल कैप, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज, BNB परिवास, IDFC लार्ज कैप, DHFL बैंक ऑफ बड़ौदा लार्ज कैप, JM लार्ज कैप, रिलायंस, ICICI प्रू, DSP टैक्स सेवर और मीरा एसेट, जैसे बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है। दोस्तों इन्वेस्टर के साथ ही जो म्यूचुअल फंड हाउसेस के मैनेजर हैं उनका भी ये हमेशा ही पसंदीदा स्टॉक रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मारिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को, इसके साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।